My dear student, today we will be discuss about the very important topic for NEET and other competitive exam. It is water vascular system in echinoderm, right? And water vascular system is also called ambulacral system. Ambulacral system, right? And it is found in echinodermata phylum, special character, very special character of phylum echinodermata. और आपके आपको ये भी बात जानना चाहिए कि एक सिस्टम और है फाइलम पोरीफेरा में, जिसको बोलते कैनाल सिस्टम. इसके साथ गड़बड़ मत करना बच्चों, ये गड़बड़ कर देता है बच्चों. अब देखिए, ये जो एकाइनोडर्म है बच्चों, ये एक्चुअली रहता है एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली मेराइन? दैट्स मीन ऑल मेंबर ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मा आर फाउंड इन टिपिकली ओशन, राइट. मतलब इसका जो सारा मेंबर है ये कहां पर मिलेगा? सी में पाया जाएगा, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा. इसलिए इसको क्या बोला गया? एक्सक्लूसिवली मेराइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखिए, मेराइन में समुद्र में तो रहेगा, पर कौन सा लेयर में रहेगा, मतलब ये जीवन बिताएगा? ये एक्चुअली रहेगा द बॉटम लेयर ऑफ सी, बॉटम लेयर ऑफ सी, ठीक. मैक्सिमम जो एनिमल ये कहाँ पर रहेगा? सी का बॉटम लेयर में, एकदम नीचे का लेयर में रहेगा, ठीक है. बट सम एनिमल आर ऑल्सो पेलाजिक इन नेचर, पेलाजिक इन नेचर. तो आप पूछोगे, सर व्हाट डू यू मीन बाय पेलाजिक? अब देखिए बच्चों, पेलाजिक मीन होता है दे लिव अपर लेयर ऑफ सी, अपर लेयर ऑफ सी, राइट. सम ऑफ द एकाइनोडर्म आर सेडेंटरी इन नेचर, सेडेंटरी और सेसाइल, सेसाइल. आप ये भी पूछोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सेडेंटरी, इतना नया नया टर्म बताओगे तो सर हम कैसे याद रखेंगे, ये भी तो बात है ना. तो कोई बात नहीं बच्चों, ये जो बायोलॉजी है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी बेस है. टर्मिनोलॉजी को आप क्लियर करेंगे ना, तो बायो में कुछ नहीं रखा गया, पानी के जैसा पी जाओगे खाली, है ना. तो सेडेंटरी मतलब क्या है और सेसाइल मतलब क्या है? सेम ही मीनिंग है, मतलब दिस एनिमल कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे आर फिक्स ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस, राइट. अब देखिए बच्चों, हम अभी किसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वाटर वास्कुलर सिस्टम एक कैसा है, हम आगे के पार्ट में अभी देखते हैं. तो बेटा, ये मैं एक एनिमल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर. आप इसका शेप देख के क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, ये एनिमल का नाम क्या है? आप अगर बता दिया मेरे बताने के पहले तो मैं सच में सरप्राइज हो जाऊंगा. चलो ठीक है, इसका नाम मैं ही बता देता हूं. इसका नाम क्या है? स्टारफिश. क्या नाम है बच्चों इसका? स्टारफिश नाम है, ठीक. और आप जानते हैं कि स्टारफिश जो है, इसका बॉडी में क्या मिलता है? स्पाइनी बॉडी रहता है इसका. क्या रहता है बच्चों? इसका बॉडी रहता है स्पाइनी, ठीक. तो देखिए, ये जो है ये होता है स्पाइन, ठीक. ये जो है, मैं मुझे बनाने दीजिए बच्चों, मैं डिस्कस करता आपसे, राइट. ये जो है ये होता है स्पाइन, ठीक. और ये स्पाइन में, स्पाइन कैसा होता है आप ये पूछोगे, सर स्पाइन क्या है? स्पाइन एक्चुअली सुई जैसा, कांटा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, राइट. तो इसका बॉडी में ये जो छोटा छोटा है, ये मैं क्या बताया बच्चों? स्पाइन, SPINE. स्पाइन के अलावा यहाँ पर और भी एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम पेडिसिलारिया. स्पाइन एक्चुअली क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक. और ये फाइलम एकाइनोडर्माटा का एक खास कैरेक्टर है. और इसके साथ साथ भी क्या रहता है? पेडिसिलारिया. तो पेडिसिलारिया भी यहाँ पर बॉडी पे मिलेगा, ठीक है, इस तरह से. तो पेडिसिलारिया इसका बॉडी को डस्ट फ्री, मतलब कचरा को साफ करते हैं, इसका बॉडी को साफ सफाई रखते हैं, राइट. अब देखिए, ये जो एनिमल है बच्चों, मान लीजिए कि
इसका अंदर का सिस्टम हमको देखना है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका अगर मान लो कि ये पोर्शन मेरा देखना है, इसका अंदर का हड्डी देखना है, तो एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे इसका एक्सरे तो नहीं निकालेंगे हम, पर आप मानिए कि मैंने इसका एक्सरे निकल के इसका अंदर का स्केलेटन मैंने यहाँ पर जूम करके पुट किया, ठीक। तो ये कैसे दिखेगा आपके, आपको इस तरह से इसको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक, इस तरह से दिखेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये पांच आर्म यहाँ पर मैं बनाया, देखिए यहाँ पर पांच आर्म, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते पेंटामेरास रेडियल सिमेट्री, राइट। और भी एक बात याद रखिए आप कि ये जो एनिमल है ये क्या होता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है इन एडल्ट कंडीशन। दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट कंडीशन, बट दे लार्वा एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। और यहां पर ये जो गोला बनाया मैंने, इसको बोलते हैं मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट, ठीक। और इसका साथ साथ ये जगह पे और एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जिसका नाम है एनस। क्या नाम है बच्चों? एनस, ठीक। तो ये इसका आर्म मैं बाहर से बना रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर एक्सरे करके इसका अंदर का मटेरियल मैंने आपको दिखाया तो कैसे दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा, ठीक। और बच्चों ये एक नया नाम बताया यहाँ पर, मेड्रेपुराइट। अब घबराए मत, ये आपके लिए क्रिस्टल क्लियर करके तभी मैं दम लूँगा, ठीक। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कोशिश किया कि ये थोड़ा सा ये सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करने का, पर उनको पता नहीं एनसीईआरटी को कि मैं आपके पीछे बैठा हुआ है, बैठा हुआ हूँ, राइट। उनको पता नहीं कि मैं भी तो देख लूँ कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स करे आपके लिए, ठीक। तो ये इसका अंदर का एक्सरे निकल के मैंने आपको यहाँ पर क्या करा, जूमिंग कंडीशन में दिखाया, जूम, राइट। जस्ट यहाँ पर ये क्या है, जूम करके मैंने दिखाया, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो मैड्रेपोराइट, ये एक्चुअली कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, राइट। इस तरह का ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से आता है इसके ऊपर से, राइट, इस तरह से। और अल्टीमेटली आके ये जगह पे ओपन होता है, ठीक। यहाँ पर ये जगह पे ओपन होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैड्रेपोराइट। तो मैड्रेपोराइट में एक्चुअली क्या रहता है, डिफरेंट सेवरल ओपनिंग रहता है, बहुत सारा ओपनिंग रहता है। तो मैं यहाँ पर कुछ ही ओपनिंग बना दे रहा हूँ, जबकि आपको समझ में आए, ठीक, ये कुछ ओपनिंग है। अब मैड्रेपोराइट क्या करता है, इसका ये जो ओपनिंग है ये क्या करता है, वाटर को, समुंदर का जो पानी है इसको अंदर लेता है, ठीक। और पानी में कुछ गंदगी भी रह सकता है, इसलिए मैड्रेपोराइट जो है, ये जो पार्ट है ये मैड्रेपोराइट, राइट। ये हो गया मैड्रेपोराइट, मैंने यहां से जूम करके दिखाया। तो जब पानी को अंदर ले रहा है, तो ये पानी को फिल्टर करके फिर ये बॉडी के अंदर भेज रहा है, ठीक। इसका कुछ मकसद है, क्यों पानी अंदर भेज रहा है, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, सारा क्रैक करते हैं, राइट। तो पानी को फिल्टर करके अंदर भराते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो एकाइनोडर्म है, दे आर बॉटम ड्वेलर्स, मतलब समुंदर के एकदम गहराई में ये रहता है। तो करोड़ों गैलन, करोड़ों ट्रिलियन बिलियन गैलन क्या है, पानी का प्रेशर है बॉडी के ऊपर, ठीक। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वलाइज होना चाहिए ना, अदरवाइज प्रेशर से तो ये मर ही जाएंगे। तो ये जो मैड्रेपोराइट, इट एक्ट लाइक ए प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व, प्रेशर इक्वलाइजर वाल्व के जैसा मैड्रेपोराइट काम करता है, ठीक। अब देखिए ये जो वाटर अंदर आया, इसको मैंने ग्रीन कलर से देखा है, मानिए कि ये वाटर इसका अंदर आया, ठीक, अंदर आया, ये इसका अंदर आ गया, अंदर आ गया, ठीक, ये अंदर आया। तो ये कौन सा जगह से अंदर आया, देखिए ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्टोन कैनाल, STON, स्टोन कैनल, ठीक। और इस तरह का स्टोन कैनल जैसा, ऐसा चार कैनल आपको मिलेगा, कितना बच्चों, चार कैनल। और स्टोन कैनल, एक्चुअली स्टोन कैनल का और एक नाम है,
कौन सा नाम है, स्टोन कैनल है कहाँ पर मौजूद, ये मैड्रेपोराइट में मौजूद है, तो इसको बोलेंगे मैड्रेपोरिक कैनल, मैड्रेपोरिक कैनल भी बोलेंगे, मैड्रेपोरिक कैनल। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए मैड्रेपोरिक कैनल से ये जो पानी है ये इंटर करा कहाँ पर, ये जगह पे, ये सब जगह पे ये इंटर कर गया, ये जगह पे इंटर कर गया, सारा ये जगह पे इंटर कर गया, ठीक घुस गया। तो ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे रिंग कैनल, RING, रिंग कैनल। ठीक, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है अंगूठी जैसा, रिंग जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिंग कैनल। अब रिंग कैनल से पानी कहाँ पर चला जाएगा, नेक्स्ट वो जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें पानी माइग्रेट करके चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ये जगह पे चला जाएगा, ये जगह पे चला जाएगा, ये जगह पे चला जाएगा, ये सारा जगह पे पानी चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियल कैनल, रेडियल कैनल। ठीक, तो तीन कैनल ऐसा हो गया। और एक बात आपको और बताना है, ये जो यहाँ पर ये रेडियल कैनल है, रेडियल कैनल के पास ऐसा कुछ अनोखा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, मैं यहाँ पर खाली एक या दो स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कराऊंगा, प्रोड्यूस कराऊंगा, राइट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। ठीक, मानिए कि यहाँ पर और दो स्ट्रक्चर बना देते, इस तरह से इसको छोटा दिखाया क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, ऐसा इस तरह का बहुत सारा इस तरह का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह का बहुत सारा रहता है, हर रेडियल कैनल में, हर आर्म में इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देखते हैं आगे, तो अभी पानी कहाँ तक आ गया, रेडियल कैनल तक आ गया। ठीक, तो रेडियल कैनल से ये जो पानी रेडियल कैनल तक आया, ये रेडियल कैनल भर गया, सारा रेडियल कैनल भर गया। ठीक, रेडियल कैनल से अभी जगह कहाँ है पानी जाने का, ये जो जगह है यहाँ पर चला जाएगा, ये जगह पे चला जाएगा। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो पानी गया, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, फाइनल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे लैटेरल कैनल, साइड में जो है, लैटेरल साइड में जो है, तो इसको बोलेंगे लैटेरल कैनल। ठीक, याद रखिए बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, लैटेरल कैनल, लैटेरल कैनल, राइट। अब लेटरल कैनल से पानी, देखिए लेटरल कैनल क्रॉस करके पानी कहाँ जाया गया, एक घड़ा जैसा स्ट्रक्चर में चला गया, तो इसको बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे बच्चों, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे एम्पुला, एम्पुला। ठीक, और एम्पुला से पानी ये जगह पे चला आएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोडियम, पोडियम। और आप जानते, मैंने बताया था आपको पोडा मतलब क्या होता है, पोडा मतलब फुट, क्या होता है पोडा मतलब फुट, तो ये फुट कैसा है, ट्यूब जैसा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ट्यूब फिट। क्या बोलेंगे बच्चों, पोडियम को बोलेंगे ट्यूब फिट, और लास्ट में जो ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सकर, SUCKER। ठीक, और सकर होते हुए पानी क्या चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, H2O, ये फोर्सफुली पानी को बाहर छोड़ देगा। और देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब पानी फोर्सफुली ये बाहर छोड़ेगा तो पानी का फोर्स क्या करेगा, एक ऑपोजिट फोर्स देगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो एनिमल है, स्टार फिश है या जो भी है, एकाइनोडर, इसका क्या होगा, लोकोमोशन, मूवमेंट हो जाएगा। बात बच्चों ये हो गया आपका कौन सा, वाटर वास्कुलर सिस्टम अबाउट व्हाट, एकाइनोडर, राइट। एंड अमेजिंगली इसको मतलब क्या करना, लर्न करना और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, कहाँ से क्या हुआ ये आपको बताया मैंने। तो ये होता है कौन सा, बताइए, आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब हमको जानना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, फंक्शन, FUNC, फंक्शन से क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये सिस्टम एकाइनोडर्म ने क्यों डेवलप करा। तो देखिए बच्चों, ये तो सबसे पहले नंबर वन, ये किस में हेल्प करेगा, इट इज हेल्पफुल इन लोकोमोशन, इट हेल्प इन लोको मोशन,
नंबर वन, ठीक। नंबर टू, ये दूसरा काम क्या करता है, दिस वाटर वास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द फूड और कैप्चरिंग द प्रे। ये खाना कैसे खाएगा बच्चों? तो ये खाना इस तरह से, ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसके सहारे में क्या करेगा, ये फूड को कैप्चर करेगा। देखिए ये जो साकार है, ये जो साकार है, ये SUCKER, साकार किसी के साथ जाके चिपक सकता है। साकार मतलब क्या है, वो सक कर सकता है, चिपक सकता है। तो उसको चिपक के ये क्या करेगा, इससे मतलब किसी को प्रीडेट भी करेगा। तो इट इज हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड, कैप्चरिंग द फूड, ठीक। फूड कैप्चर के लिए ये काम करेगा, कौन सा, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, तो एम्बुलेक्रल सिस्टम। दूसरा और एक बात है इसका फंक्शन में, जो क्या है, इट ऑल्सो दिस एम्बुलेक्रल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प करेगा। और ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम, दिस वाटर वास्कुलर सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम, इट इज डेवलप फ्रॉम, सिलोमिक कैविटी। कहाँ से ओरिजिन होता है, डेवलप फ्रॉम सिलोम, COELOME। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये सिलोमिक ओरिजिन होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एम्बुलेक्रल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम। बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बच्चों।